हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे टेक्नो वर्ल्ड। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ व्हाट्सएप के नए फीचर बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं होगे। क्या बोला तूने? तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक के रिलेटेड आपको रोजाना वीडियोज मिलती रहेगी इस चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं आरजे टेक्नो वर्ल्ड चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आरजे टेक्नो वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बढ़ते हैं अपकमिंग न्यू फीचर्स के बारे में जो कि व्हाट्सएप में आ चुका है या आने वाला है। जब भी आप किसी ग्रुप में ज्वाइन होते थे या ग्रुप में रहते थे, तो किसी ने भी कोई भी ग्रुप अगर लिफ्ट किया आपका, मतलब कोई भी आपके फ्रेंड ने या रिलेटिव ने कोई भी ग्रुप अगर लिफ्ट किया, इस तरह से आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो इस तरह से आप सभी को पता चल जाता था कि इस पर्सन ने ये ग्रुप लिफ्ट किया है या ये पर्सन ये ग्रुप छोड़ के चला जा चुका है। तो आप उस पर्सन को मैसेज करके परेशान करते थे कि भाई तूने ये ग्रुप क्यों छोड़ दिया, क्या वजह थी आपको ग्रुप लेफ्ट करने की या क्या वजह थी आपको ग्रुप छोड़ देने की। तो इस तरह के अनोइंग क्वेश्चन से आप सिंपली बच सकते हो, क्योंकि नए अपडेट में आपको सिर्फ एडमिन, जो ग्रुप का एडमिन है, जिसने ग्रुप बनाया है या जो ग्रुप का एडमिन है, उसी को पता चल जाएगा कि कौन कौन लेफ्ट हो चुका है। इस नए अपडेट में सिर्फ उसी पर्सन को पता चल जाएगा जिसने जिसने ग्रुप को लेफ्ट किया है या छोड़ दिया है। उन किसी को भी ग्रुप में पता नहीं चलेगा कि इस पर्सन ने ये ग्रुप छोड़ा है। सिर्फ एडमिन को पता रहेगा या उस ग्रुप छोड़ने वाले को, जिसने ग्रुप छोड़ा है। उन दोनों के अलावा किसी ग्रुप के मेंबर को पता नहीं चलेगा कि उस मेंबर ने ग्रुप छोड़ा है करके। ये हुई ना बात। नेक्स्ट फीचर है व्हाट्सएप की तरफ से। जब भी हम इंस्टाग्राम पे किसी को भी या इंस्टाग्राम पे कोई भी आपसे चैट सेक्शन में कोई भी आपको मैसेज पसंद आ जाता था, या किसी भी मैसेज को आप रिएक्शन दे सकते थे इस तरह से, किसी भी पर्सन को आप उसके मीम्स पे या वीडियोस पे या टेक्स्ट मैसेज पे इस तरह से टैप एंड होल्ड करके उसको इस तरह से आप दिल वाला या लव वाला या हैप्पी वाला या एंग्री वाला इस तरह के इमोजी आप सेंड कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, घबराने की बात नहीं, ये फीचर अब व्हाट्सएप में भी रोल आउट आ चुका है, मतलब रोल आउट हो चुका है। जब अगर आपको किसी भी पर्सन के चैट पे या मैसेज पे इस तरह के रिएक्शन इमोजीज आपको देना चाहते हो इंस्टाग्राम की तरह, तो सिंपली आपको अपनी चैट ओपन करनी है, उस पर्सन के सेक्शन में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको टैप एंड होल्ड करना है उस मैसेज पे या वीडियोस पे या किसी भी तरह के इमेज पे। यहाँ पे टैप एंड होल्ड करने के बाद इस तरह का इमोजी यहाँ पे आपको मिल जाएगा अलग अलग तरह के। इंस्टाग्राम की तरह अब व्हाट्सएप पर भी आप इस तरह के इमोजी सेंड कर सकते हैं। तो ये जो दोनों भी फीचर है, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जिन जिन लोगों को नहीं मिला है उनको सिंपली यहाँ पे आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर देना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सअप सर्च करना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में व्हाट्सअप सर्च कर देने के बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट्सअप के आगे यहाँ पे अपडेट पे टैप कर देना है। आपका व्हाट्सअप जब भी अपडेट हो जाएगा कम्प्लीटली, तब आपको ओपन कर देना है। तो आपको ये दोनों भी फीचर मिल जाएंगे बड़े आसानी से। आई होप यू गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना। इसी तरह के टेक अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, या मूवीज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हो मेरे वाली, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, मूवीज़ वगैरह, लेटेस्ट वेब सीरीज़ वगैरह आप मुझे DM करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।